दादा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम में मैं आपको जो चीज बना के बताऊंगा वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। हमारे घर में जब भी कोई डिनर रहता है तो उसको ज्यादातर मैं बनाता हूँ, क्योंकि अगर नहीं पकाऊं तो लोग कहते हैं कि आज आपने वो डिश नहीं बनाई है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे घर पे हमेशा बनती है। खैर, उसे मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए, तभी मजा आता है। सीक्रेट नहीं रखूंगा, लेकिन आप सोचते रहें कि ऐसी कौन सी चीज मैं बनाऊंगा। अभी तो आप देखिए, थ्री बीन करी। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप रेड किडनी बीन्स, आधा कप मूंग बीन्स, आधा कप व्हाइट बीन्स, आधा कप टोमेटो प्यूरे, 3/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1 कप बारीक कटा हुआ टमाटर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 छोटे चम्मच करी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, 1/4 छोटा चम्मच मेथी, नमक स्वादानुसार, 3 बड़े चम्मच तेल, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 बड़ा चम्मच इमली का पेस्ट। थ्री बीन्स करी बनाने के लिए सबसे पहले जो बीन्स हैं आप उसको रात भर भिगो के रखें। इसमें हमने राजमा का इस्तेमाल किया है, रेड किडनी बीन्स, उसको रात भर भिगो के रखें। और इसके साथ इसमें हमने व्हाइट बीन्स ली हैं। यदि व्हाइट बीन्स आपको ना मिले तो आप इसमें लोबिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये व्हाइट बीन्स और इसके साथ साथ मूंग, जो हरी मूंग होती है उसको भी आप रात भर भिगो के रखें। और उसके बाद इन सब चीजों को हमने बॉयल करना है। ये रेड किडनी बीन्स, इसे हमने बॉयल किया हुआ है, व्हाइट बीन्स इसको बॉयल किया हुआ है, और मूंग बीन्स इसे भी बॉयल किया हुआ है। इसको पकाने के लिए एक आप कढ़ाई या किसी बर्तन के अंदर तेल ले लें, और तेल जब गर्म हो जाए तब इसके अंदर डालें जीरा, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी। कलौंजी यानी अनियन सीड्स, ये जो हैं प्याज के बीज होते हैं। ये सब चीजें डालने के बाद, ये आप देखें इनका जो रंग है वो चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज। हमारे इंडिया में हिंदुस्तानी खाने के अंदर दालें जो होती हैं उसका काफी महत्व होता है, प्रोटीन तो होता ही है। इसी तरह से ये जो बीन्स हैं ये भी हर खाने में हम इंक्लूड कर सकते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी ये चीज़ें बनती हैं तो खूब ज़्यादा क्वांटिटी में बननी चाहिए, क्योंकि मैं अपनी पसंद की बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया जो अगली रेसिपी है वो भी मेरी पसंद की है और हमारे घर पे अक्सर बनती है, वो बनेगी पालक से। थोड़ा सा सस्पेंस आपका कम कर देता हूँ मैं। पालक मुझे इतना पसंद है कि मैं खुद बहुत खाता हूँ और हमारे घर में जब भी कोई आता है तो उसको पालक की डिश जरूर मिलती है। खैर, पालक से कौन सी डिश मैं बनाऊंगा वो अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये जब रेसिपी पूरी हो जाएगी उसके बाद बताऊंगा। मैं पालक की बात कर रहा हूं, पालक से मुझे याद आता है हाल ही में मैं जयपुर गया था और एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप हमेशा कहते रहते हैं आपका पालक फेवरेट है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है आपको मटर ज्यादा पसंद है। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे मटर से कई ज़्यादा अच्छे लगते हैं पालक। कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं लगता। मैंने कहा आप बताइए आप ऐसा क्यों समझते हैं। कहते हैं इसलिए क्योंकि आपने पालक की खीर अभी तक नहीं बताई। मैं सोचने लग गया, मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, मैंने पालक की खीर आज तक नहीं बताई। तो उन्होंने कहा देखिए आपकी हमने सीडी रोम ली, उसके अंदर मटर की खीर थी, बुक्स में आपकी मटर की खीर है, आपके शो में आपने मटर की खीर बताई है, आप जहाँ भी जाते हैं मटर की खीर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि मटर आपके फेवरेट हैं। खैर मैंने उनको बताया, मैंने कहा घबराइए नहीं, पालक उससे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अगर आपको याद होगा तो पहला जो हमारा एपिसोड था उसमें भी मैंने पालक की डिश बताई थी शाम सवेरा। तो खैर तब उन्होंने माना कि मुझे पालक ज़्यादा पसंद है मटर से। देखिए इतनी बातों बातों में ये जो प्याज हैं ये भी पूरी तरह से लाल हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। ये दोनों पेस्ट डालने के बाद इसे मिक्स कर लें। अदरक और लहसुन के पेस्ट को
जब हमने भून लिया है तब इसके अंदर हम डालते हैं टमाटर, बारीक कटे हुए टमाटर, और इसे भी भूनेंगे इस मसाले में हम। इसके साथ साथ इसमें हम सूखे मसाले डालते हैं, हल्दी पाउडर, करी पाउडर। ये जो करी पाउडर है ये मिक्सचर होता है, इसके अंदर काफी सारे मसाले इकट्ठे डाले जाते हैं। जो कमर्शियली करी पाउडर मिलता है उसके अंदर धनिया होता है, जीरा होता है, मेथी होती है, राई होती है, सौंफ होती है, तेज पत्ता होता है, कुछ गर्म मसाले होते हैं। यानी ये जो करी पाउडर है इसमें काफ़ी सारे मसाले इकट्ठे मिले हुए होते हैं। यदि आपके पास करी पाउडर नहीं है तो घर में जितने मसाले हैं थोड़े थोड़े करके डालिए, इस डिश में टेस्ट आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, इस डिश में ये जो मसाला है अच्छी तरह से हमने भूनना है, प्याज को अच्छी तरह से पहले भूना है हमने। अब टमाटर डालकर इसे पका रहे हैं। टमाटर के बाद इसमें आप डालें टोमेटो प्यूरे, फ्रेश या प्रिजर्व किया हुआ टोमेटो प्यूरे इसमें डालें आप। टमाटो प्यूरे डालने के बाद इसको हमने कुछ देर तक पकाना है। थोड़ा पानी डालते हैं इसके अंदर हम, पानी डालकर इसे पकाएंगे, और उसके बाद जब इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा तब इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे हम। अब इस ग्रेवी में तेल निकलना शुरू हो रहा है, किनारे पे हम देख रहे हैं तेल निकलना शुरू हो रहा है, इसका मतलब है ये मसाला रेडी है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और अब इसमें हम डालेंगे इमली। ये इमली का पेस्ट है, आप चाहें तो इमली लेकर उसको भिगोकर उसका गूदा निकाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लें, और अब इसमें हम डालेंगे ये जो बीन्स हैं जो हमने पहले से उबाल के रखी हैं, पहले वाइट बीन्स, किडनी बीन्स और मूंग बीन्स, हरी मूंग। इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर हम। पानी डालने के बाद इसको हम उबलने देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक डालने के बाद इसमें डालें गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। इन सब चीजों को मिक्स कर देते हैं। नमक, गरम मसाला पाउडर और हरा धनिया डालने के बाद इसे आप धीमी आंच पर कुछ देर पकने दें, ताकि जितने टेस्ट हैं, जितने सब फ्लेवर्स हैं इस डिश के अंदर एक सार हो जाएं, और उसके बाद आपको मजा आएगा थ्री बीन्स करी का। खा के देखिए, बहुत ही मजेदार डिश है। अगली डिश का नाम बता दूं आपको? खैर चलिए बता देता हूं, अगली डिश है शाही पालक मुर्ग। इसके लिए आप राजमा, व्हाइट बीन्स और हरी मूंग को रात भर भिगो कर रखें, उसके बाद इसे उबाल कर पका लें। इसके बाद तेल में जीरा, सौंफ, मेथी दाना और कलौंजी डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटी प्याज डालकर इसे भून लें। इसके साथ इसमें अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट डालकर भूनें। अब इसमें बारीक कटे टमाटर डालकर इसे मिला लें, और अब इसमें हल्दी पाउडर और करी पाउडर डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे मिलाएं। इसके साथ इसमें टोमेटो प्यूरी डालकर इसे मिक्स करें, और इसमें पानी डालकर इसे कुछ देर पका लें। इसके बाद इसमें इमली की पेस्ट डालकर मिलाएं, और अब इसमें उबली हुई व्हाइट बीन्स, राजमा और हरी मूंग डालकर इसे मिलाएं, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें नमक, गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर मिलाएं, और इसे धीमी आंच पर कुछ देर पकाएं और सर्व करें। टाटा सॉल्ट खाना खजाना देखने वालों को एक बार फिर संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। वायदे के अनुसार अब मैं वापस आया हूँ एक ऐसी रेसिपी लेकर जो मुझे बहुत पसंद है, हमारे घर में बहुत बार ये बनी है, तो आप भी देखिए शाही पालक मुर्ग। इसके लिए हमें चाहिए 300 ग्राम बोनलेस चिकन, 100 ग्राम चिकन का कीमा, 1 कप प्याज स्लाइस किया हुआ, 1/4 कप बारीक कटा हुआ प्याज, 1/2 कप दही, 1.5 कप बारीक कटी हुई पालक, 2 बड़े चम्मच काजू का पेस्ट,
एक छोटा चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पुदीना, एक बड़ा चम्मच अदरक बारीक कटा हुआ, एक बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 15 से 20 बादाम, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटा चम्मच शाही जीरा, आधा कप स्लाइस ब्राउन अनियन, नमक स्वादानुसार और 3 बड़े चम्मच तेल। शाही पालक मुर्ग के लिए सबसे पहले जो चिकन है, बोनलेस चिकन हम लेंगे, और ये जो चिकन है इसे हमने मैरिनेट करना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं काफ़ी बड़े बर्तन में इसे बना रहा हूँ और जो चिकन की मात्रा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। खैर मैं आपको बताऊँगा कि क्यों इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ये चिकन बना रहा हूँ। चिकन को मैरिनेट करने के लिए दही को अच्छी तरह से फेंट लें आप। एक बर्तन में जिसमें हमने चिकन पकाना है तेल ले लेते हैं हम। जब तक ये तेल गर्म होता है ये जो दही हमने फेंटी है उसके अंदर हम नमक डालेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ पुदीना, गरम मसाला पाउडर और इन सब चीज़ों को मिक्स करना है हमने। और अब इसके अंदर हम डालेंगे बोनलेस चिकन। चिकन को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं हम। इस मसाले के अंदर चिकन को करीब आधे घंटे तक हमने रखना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये जो तेल है ये भी गर्म हो चुका है। इस तेल में हम डालेंगे शाही जीरा और शाही जीरे के साथ इसमें डालें बारीक कटा हुआ प्याज। इस प्याज को हमने ब्राउन करना है। जब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसके अंदर डालें स्लाइस किया हुआ प्याज। पहले हमने इसमें चॉप्ड प्याज डाला था और उसको गोल्डन ब्राउन किया था, लेकिन ये जो प्याज है इसे हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और इसके बाद इसमें डालें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी मिक्स कर लेते हैं हम। और अब इसके बाद इसमें डालें चिकन का कीमा। शाही पालक मुर्ग है इसलिए इसमें हम चिकन भी अलग अलग तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले हमने बोनलेस चिकन लिया था, उसे मैरिनेट किया था, अब ले रहे हैं हम चिकन का कीमा। और चिकन के कीमे को हमने भूनना है। अब ये जो कीमा है इसे हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन, चॉप्ड गार्लिक और इसके साथ इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक। इन दोनों चीज़ों को भी हमने भूनना है इसी चिकन मिंस के साथ। अब ये जो अदरक और लहसुन है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये पालक, यानी मेरी पसंद की चीज़ पालक। और पालक डालकर इसे हमने मिक्स करना है। इस डिश में आपको लग तो रहा होगा कि पालक बहुत ज़्यादा है, लेकिन पक के बहुत थोड़ा सा रह जाएगा। वैसे भी इस डिश का जो रंग है वो हरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो पालक है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे पालक गोश्त होता है उसमें पालक का रंग बहुत ज़्यादा होता है, इसमें पालक रहेगा। देखिए अभी कितना कम होना शुरू हो गया ये पालक। और अब इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। जैसा कि मैंने आपको बताया इस डिश का जो रंग है वो एकदम हरा नहीं रहेगा, इसलिए इसमें हम लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली जब भी हम पालक की कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं जिसमें पालक का जो रंग है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है,
तो उसमें हम लाल मिर्च, हल्दी ऐसी चीजें नहीं डालते। ताकि जो पालक का रंग है वो एकदम हरा रहे। इसे मिक्स कर लें। मसाले जब अच्छी तरह से भुन जाएं, तब आप इसके अंदर डालें ये मैरिनेट किया हुआ चिकन। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस चिकन को हमने मैरिनेट किया है दही के अंदर। इसमें बारीक कटा हुआ पुदीना है, नमक है, लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है। मैरिनेट किया हुआ चिकन इस कीमे और पालक के मिक्सचर में, इसे मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कैशूनट पेस्ट। कैशूनट पेस्ट डालने के बाद इसमें आप डालें स्लाइस किया हुआ जो फ्राइड अनियन है उसे, और शाही ठाट बाट है तो कुछ डालते हैं हम बादाम। इसको हमने ब्लांच किया हुआ है, यानी गर्म पानी में कुछ देर पकाया है और उसके बाद इसके छिलके निकाले हैं हमने। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे नमक। ध्यान रखें जो आपने चिकन मैरिनेट किया था उसमें भी नमक था। इन सब चीजों को मिक्स कर लें। अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और उसके बाद इस शाही पालक मुर्ग को हमने धीमी आंच पर पकाना है दम के अंदर। ढक्कन लगा दें और उसके बाद इसको आप पकने दें। आप चाहें तो इस समय इसको अवन के अंदर भी पका सकते हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक धीमी आंच पर इसको पकने दें। जो कैशूनट की पेस्ट है वो मिक्स होगी, पकेगी, चिकन जो है थोड़ा पानी अपना छोड़ेगा, उसके बाद पकेगा, पूरा गल जाएगा और उसके बाद ये जितने टेस्ट हैं, इतने शाही जो हमने टेस्ट इसके अंदर डाले हैं, उससे मज़ा ही आएगा। खैर, आप खुद बनाइए, दूसरों के लिए बनाइए, खाइए, खिलाइए, या तो आप चाहें अपने घर में कभी ऐसा कोई त्यौहार होता है तब बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाने का मौका मिलता है, या कभी ऐसा मौका मिलता है कि काफ़ी सारे लोग आपने बुलाए होते हैं तब इच्छा करती है कि कुछ हैवी खाना बनाया जाए। रोज़ रोज़ आप इसको नहीं बना सकते हैं, इसीलिए 6 साल में पहली बार मैंने आपको ये डिश बताई है, वो भी इसलिए ताकि मेरे जो मित्र हैं, इतने सारे मित्र यहाँ बॉम्बे में हैं, उनके पास हमेशा मैं जाता हूँ, नई नई चीज़ें खाता हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी मनीष जी के लिए, आज उनके घर पर डिनर है, वहाँ पर बना के लेके जाऊँगा। तब तक और थोड़ा सा चिकन में टेस्ट आएगा, मज़ा आएगा, आप भी मज़ा लें शाही पालक मुर्ग का। इसके लिए आप दही को फेंट कर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा पुदीना और गरम मसाला पाउडर डालकर इसे मिक्स करें और इसमें बोनलेस चिकन के पीसेस को डालकर इसे मिलाएं और इसे करीब आधे घंटे के लिए रख दें। इसके बाद एक पैन में तेल लेकर इसमें शाही जीरा और बारीक कटी प्याज डालकर इसे भून लें। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर स्लाइस की हुई प्याज डालकर इसे मिलाएं। इसके साथ इसमें बारीक कटी हरी मिर्च डालकर मिक्स करें। इसके बाद इसमें चिकन का कीमा डालकर इसे भून लें और अब इसमें बारीक कटा लहसुन और बारीक कटा अदरक डालकर इसे भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा पालक डालकर इसे कुछ देर पकाएं और अब इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे भून लें। इसके बाद इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर इसे मिक्स करें और इसमें काजू की पेस्ट, तली हुई प्याज, ब्लांच किए हुए बादाम और नमक डालकर इसे मिक्स करें। इसके बाद इसमें गरम मसाला पाउडर और बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे मिलाएं और इसे धीमी आंच पर ढक्कन लगाकर करीब 15 से 20 मिनट तक पकाएं और सर्व करें।